दिवाली त्योहार को देखते हुए पुलिस परिमंडल दो की उपायुक्त विनीता साहू ने मंगलवार को सदर सीताबर्डी अम्बाजरी और गिट्टी खदान क्षेत्र में पुलिस की पैदल गश्त की। गश्त के दौरान पुलिस भीड़ कम करने के साथ ही कोविड के नियमों का पालन करने की घोषणा कर रही थी। कोविड नियमों के तहत बाजारों में खरीदारी करने आए नागरिकों से पुलिस गुजारिश कर रही थी कि वह अपने बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की स्वयं देखभाल करे, शॉपिंग करते समय सावधानी बरतते हुए चेन मोबाइल स्नैचरों से सावधान रहे। पुलिस के पैदल गश्त में उक्त सभी स्थानों के थानेदार व कर्मचारी शामिल थे। इसके अलावा गश्त में दंगा निरोधक दस्ता भी शामिल था। देखिए, आज धनतेरस का दिन है और लोग बाहर शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो सारे ही मार्केट, सदर मार्केट, बर्डी मार्केट, वैरायटी स्क्वायर, गोकुलपेट मार्केट, गिट्टी खदान स्क्वायर, मानकापुर मार्केट, यहाँ पर हर जगह अभी भीड़ है और भीड़ में लोगों को बार बार इसके बारे में एक जागरूकता फैलाना और अनाउंसमेंट करते रहना ज़रूरी है कि वो ट्रैफिक को डिस्टर्ब ना करें, आपस में अपना जो बिलोंगिंग्स है उनका ध्यान रखें, साथ में अगर छोटे बच्चे हो तो उनका ध्यान रखें और कोरोना के नियम जो हैं उनका पालन करें, क्योंकि कोरोना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसी के बारे में एक जागरूकता रखते हुए हमारा जो पूरा आरटीपी पथक है सदर पुलिस स्टेशन का और बाकी पुलिस स्टेशन का स्टाफ है, उनके साथ हमने पेट्रोलिंग किया है और लोगों में जागरूकता फैलाने का कोशिश किया है और साथ ही शिष्ट लगाने का भी प्रयत्न किया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़ नागपुर।